तो चलिए बात करते हैं राशि नंबर 4, कर्क यानी कि कैंसर की। तो कर्क राशि वालों, आपके आज के दिन का हाल कुछ सामान्य रह सकता है, दिन सामान्य है। कुछ कामों में आपको थोड़ी सी रुकावटें महसूस हो सकती हैं और सितारे यही इंगित करते हैं। इन रुकावटों के कारण आप थोड़ा परेशानी महसूस कर सकते हैं। आपके लिए सलाह यह है कि आप धैर्य से काम लें। ऑफिशियल मैटर्स के लिहाज में दफ्तर में अधिकारी वर्ग काम को लेकर आप पर दबाव बना सकता है, आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर सकता है। जल्दबाजी करने से मैं आपको बचने की सलाह देता हूं। इस राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनका मन पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। ये बेहतर होगा हर स्टूडेंट के लिए कि वो एकांत में किसी एकांत जगह पर पढ़ाई करें और पूरी कंसंट्रेशन के लिए पढ़ाई करें। एक काम जरूर करें आज, वो ये कि हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें। इससे क्या होगा, आपकी सभी परेशानियां, आपकी सभी दिक्कतें, सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ये कहावत तो जरूर सुनी होगी आपने कि मुस्कान बेईमानी है। सच भी आपके ऊपर लागू भी होती है आज कि आप दुखी अंदर से फिर भी हंस रहे हैं। आपकी मुस्कान बेईमानी और हंसी में वो खनक ही नहीं है। आपके दिल में जो धड़कने हैं वो आनाकारी कर रही हैं, क्योंकि आप किसी खास के साथ की जो कमी है उसे महसूस कर रहे हैं, और स्पेशली वो सिंगल्स जो अपने खोए हुए प्यार को याद कर रहे हैं। तो याद करने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, प्रस्तुत में जिए। दफ्तर में आज आप अपना आपा हो सकते हैं प्रेशर के कारण, इसलिए तैयार रहिए प्रेशर को सस्टेन करने के लिए। अगर आप आज कहीं खरीदारी के लिए जीवन साथी के साथ निकल रहे हैं तो कोई अच्छी पोशाक ले सकते हैं आप। आज ग्रॉसरीज की आप खरीदारी को लेकर जीवन साथी से तकरार कर सकते हैं और ऐसी मुमकिन परिस्थिति दिखाई भी देती है। तो तकरार से बचने के लिए जीवन साथी की हाँ में हाँ मिलाएं, वो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है। दिन को थोड़ा सा बेहतर बनाएं। तो चलिए बात कर लेते हैं आज आपके शुभाशुभ की। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ दिशा रहेगी पश्चिम, और शुभ समय जो रहेगा आपके लिए वो रहेगा दोपहर को 12 बजे से लेकर दिन में 1:30 बजे तक का। और उपाय के तौर पर आप क्या करें, ऋषि मंडल पर गुलाबी 7 फूल चढ़ाएं।